जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज तीसरा दिन खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वही दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे की जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी की आज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे साउथ अफ्रीकाई टीम के कप्तान डीन एलगर, तो उस दौरान रविचंद्रन अश्विन से कर बैठे बहस हुआ था मैदान पर कुछ ऐसा कि देखकर आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों ये खबर का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आखिरकार रविचंद्रन अश्विन का सपना हुआ पूरा, टेस्ट क्रिकेट में रच डाला ऐसा बड़ा इतिहास की जानने के बाद पूरी दुनिया ने करा उनको सलाम। तो दोस्तों आखिरकार रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट इतिहास का कौन सा वो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में आज तीसरे दिन का मैच देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला गया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आज भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने के लिए मिला, जहां पर आज तीसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाज 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों से आगे खेलने के लिए मैदान पर उतरे। और वहीं दोस्तों आज भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 266 रन बनाए और पूरी टीम 266 रनों के अंदर ही मिट गई। तो वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए 240 रनों का लक्ष्य मिला। तो वहीं भारत के लिए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने आज के इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं आज तीसरे दिन का पूरा खेल, तो आज जब भारतीय टीम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आते से ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि आज के इस मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा ने 86 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए। तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 78 गेंदों में 58 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। तो वहीं हनुमा बिहारी नावाद रहे, जिन्होंने 84 गेंदों में 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली। तो वहीं ऋषभ पंत 0 रन पर आउट हुए, वहीं रविचंद्रन अश्विन 16 रन, शार्दुल ठाकुर 28, मोहम्मद शमी 0, जसप्रीत बुमराह 7 और मोहम्मद सिराज 0। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर इसी के साथ भारतीय टीम की पारी 266 रनों पर ही समाप्त हुई। और वहीं बात करें अगर साउथ अफ्रीका टीम के गेंदबाजों की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम आज 3 गेंदबाजों ने किया, जहां पर कगिसोर अवाड़ा ने 20 ओवर फेंकते हुए 77 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं ड्वाने ओलिवर को 1 विकेट मिला, लुंगियन गिडी को भी 3 विकेट हासिल हुए और मार्को जेनसन को भी। तो वहीं दोस्तों अब साउथ अफ्रीका की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी पारी में उतरी तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकाई टीम के बल्लेबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हां दोस्तों हम आपको बताएं कि आज जब मैदान पर साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से एडन मार्करम और डीन एलगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत के 10 ओवर तो काफी अच्छी फॉर्म में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज भारतीय टीम के गेंदबाज इनको आउट करने में नाकामयाब रहेंगे। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से मैदान पर आएंगे और विकेट लेते हुए चले जाएंगे। जी हां दोस्तों यहां पर शार्दुल ठाकुर ने आज तीसरे दिन भारतीय टीम की तरफ से पहली बड़ी सफलता दिलाई, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने एडन मार्करम का विकेट चटकाया। जी हां दोस्तों एडन मार्करम इस मुकाबले में 38 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके भी लगाए, जैसे कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं दोस्तों एडन मार्करम के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कीगन पीटरसन, जहां पर कीगन पीटरसन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों कीगन पीटरसन और डीन एलगर यहां पर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आज कीगन पीटरसन भी मैदान पर टिके रहेंगे, लेकिन उनका विकेट चटकाया रविचंद्रन अश्विन ने, जहां पर अश्विन ने कीगन पीटरसन को 44 गेंदों में 28 रन पर ही पवेलियन भेजा और अश्विन ने कीगन पीटरसन का विकेट 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर चटकाया और इसी के साथ भारतीय टीम को दूसरी बड़ी ये सफलता मिली। तो वहीं दोस्तों दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीकाई टीम के कप्तान डीन एलगर 121 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन बनाकर मैदान पर अभी भी टिके हुए हैं और वहीं उन्होंने इस दौरान 2 चौके लगाए हैं। और वहीं रसी वेंडर ड्यूसेन 37 गेंदों में 11 रन बनाकर मैदान पर हैं। तो वहीं दोस्तों आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने 40 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिया और ऐसे में अब साउथ अफ्रीका की टीम को बस मात्र 122 रनों की ही आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ
फिर जीत पाएगी या फिर नहीं। और आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के प्रदर्शन को तीसरे दिन देखकर 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग के दी वॉन्डरर्स स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल जारी है, जिसमें इंडिया ने लीड हासिल कर रखी है। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीतने के आसार अभी भी पूरी तरह से बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऐसी शानदार गेंदबाजी करवाकर हर किसी का दिल जीत लिया है। दरअसल दोस्तों हम आपको बताएं कि आज जब भारतीय टीम के बल्लेबाज तीसरे दिन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी के दम पर 266 रन बनाए और साउथ अफ्रीका की टीम के सामने लक्ष्य रखा 227 रनों का। हालांकि दोस्तों ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था इस पिच पर, जो कि इतनी ज्यादा हरकतें कर रही थी, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों का एक अलग ही तूफान देखने के लिए मिला। कुर ने एडन मार्करम को पवेलियन भेजा। जी हां दोस्तों, एडन मार्करम आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि उनकी बल्लेबाजी को ज्यादा देर तक शार्दुल ठाकुर ने टिकने नहीं दिया, जहां पर एडन मार्करम 38 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं दोस्तों एडन मार्करम के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कीगन पीटरसन, जहां पर कीगन पीटरसन और डीन एल्गर के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी हुई। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी बहुत ही जल्दी तोड़ी रविचंद्रन अश्विन ने। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने इस मुकाबले में घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जहां पर अश्विन ने 44 गेंदों में 28 रन पर खेल रहे कीगन पीटरसन को 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर LBW आउट किया, जिसके चलते यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को ये दूसरा बड़ा झटका लगा। और वहीं दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने कीगन पीटरसन का विकेट लेते के साथ ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम कर लिया। 30 विकेट पूरे करने के साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ियों की बराबरी कर ली। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सब यहां पर लिस्ट में देख सकते हो, अब अगर रविचंद्रन अश्विन एक और विकेट ले लेते हैं तो वो विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं, जहां पर रिचर्ड हेडली ने 86 मैचों में 431 विकेट लेने का कारनामा किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, और ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि आज भारतीय टीम के गेंदबाज किस तरह की लय आगे दिखाते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी यहां पर देख सकते हो कि शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने अब तक के मुकाबला जितना खेला गया है उसमें शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, और अब उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि भारतीय टीम के नाम ये दूसरा टेस्ट मुकाबला होने वाला है। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के गेंदबाजों के बारे में, और आप भारतीय टीम के गेंदबाजों को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दरअसल दोस्तों हुआ ये कि भारतीय टीम की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान कूल जसप्रीत बुमराह को गुस्सा आ गया और वह मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज मार्को जेनसन से भिड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि यह घटना भारत की दूसरी पारी के 54वें ओवर की है। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।